बंदा जिस वाले दुनिया तू चला जावे बंदे दी रूह परवान कर जावे कोई पुत्र भी हाथ चुक के दुआ नहीं करता एथियां युंदियां ने जड़ियां पापा वास्ते दुआवां करदियां ने और जड़ियां मां वास्ते दुआवां करदियां ने मियां साहब रहमतुल्लाह चला रहे आप दा कलम उठया मियां साहब फरमांदे ने दिया ने पढ़दे स वे बाबल ए पुत्रा लई जगीरा ए चुप रहना वो कुछ ना कहना ए दिया दिया तकदीरा कोई न तेरा निजिंदड़ी चल चली असा जाना मदीने नो मिलना अरबी नगीने नो सजाना मदीने नो मिलना अरबी नगीने नो सानू चा वदेराए नि जिंदड़ी चल चली है मेरे वाकिफ हाँ दादा मेरे महरम राजादा मेरे वाकिफ हाँ दादा मेरे महरम सोना दर दे ओ मेरा ए नि जिंदड़ी चल चलिए जिथ मदनी दा डेरा ए नि जिंदड़ी चल चलिए थे कोई न तेरा नि जिंदड़ी चल चलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हमदो सना और उसदे नबी पाक साहबे लुलाक हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदीया दरुद व सलाम करीमा अकरम सल्लतु सलाम दी बारगाह दे अंदर अकीदतां मुहब्बतां दी खिराज पेश करन तो बाद निहायत वाजिब अल इहतराम व सामिन कराम मैं ते तुसी जनाब भाई मोहम्मद आदल साहब मोहम्मद आतफ साहब इन्हां दे चाचू जनाब मोहम्मद फैज मरहूम उन्होंने इस साले सवाब की महफिल के अंदर हाजिर हाँ दुआ अल्लाह ताला मरहूम की बख्शिश फरमाए तो जन्नत के अंदर अल्लाह मुकाम अच्छा फरमाए अब आबे सी वक्का रब्बे कायनात ने फरमाया रब्बना उफिर ली वाली वाली दैया हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने दुआ की थी मौला मेरी भी मगफरत फरमा वाली वाली दैया मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा वलिल मुमिनीना यौम यकूमुल हिसाब ते कयामत तक आने वाले तमाम मुसलमाना की बख्शिश फरमा दे अब वकार अल्लाह ताला ने वालिदैन इंसान वास्ते अल्लाह की रहमत दा अल्लाह दे करम दा इस दुनिया ते सब तो वड्डा आसरा रखे ने दुनिया ते इंसान बड़े बड़े इंसान नू प्यार करते ने ओदे चाचे भी प्यार करते ने ओदे दादे भी प्यार करते ने नानके भी करते ने फुफियां भी करदियां ने लेकिन जैसा प्यार वालदैन करते ने ऐसा कोई प्यार कर नहीं सकता क्योंकि वालदैन दा प्यार ऐसा प्यार है जिस प्यार दे अंदर कोई गर्ज नहीं कोई लालच नहीं उस प्यार दे अंदर प्यार ही प्यार है ओ प्यार है जिहड़ा रब्बे कायनात ने वालदैन दे दिल दे अंदर औलाद वास्ते रखे है अल्लाह ताला दे प्यारे नबी अली सलातो सलाम ने फरमाया फरमाया कि वालदैन दी रजा दे अंदर अल्लाह दी रजा है वालदैन दी नाराजगी दे अंदर अल्लाह दी नाराजगी है
हजरत पता चलिया जेड़े बंदे तू वालदैन राजी ने ओदे तू रब भी राजी है ते मदीने वाला सोना नबी भी राजी है ते जिदे तू वालदैन नाराज ने ओदे तू रब भी नाराज है नबी पाक अली सलात व सलाम आप भी नाराज ने नबी पाक हुमा जन्नतों का वनारों का करीमा करी सलात व सलाम फरमाया अपने वालदैन की खिदमत करी ओई तेरे वास्ते जन्नत ने ओई तेरे वास्ते दोजख ने पता चलिया कि जेड़ा बंदा अपने वालदैन नू राजी कर लैंदा है ओदे तू रब भी राजी होंदा है ते मदीने वाला सोना नबी भी राजी होंदा है जिदे तू वालदैन नाराज ने ओदे तू रब भी नाराज है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी नाराज ने अब इसी वकार तवज्जो करिया जे नबी पाक अली सलात व सलाम जिथे आपने बाप नू बड़ी अजमत अता फरमाई मां नू बड़ी शान अता फरमाई करी माक अली सलात व सलाम ने फरमाया अल जन्नत तहता कदम उम्महात फरमाया के मां दे कदमा छले जन्नत चे ओथे अल्लाह दे नबी अली सलात व सलाम आपने बाप नू भी ये शान अता फरमाई आका अली सलात व सलाम ने फरमाया अल अबू औसा तो अब वाबिल जन्ना औ कमा काल अली सलात व सलाम फरमाया के बाप जन्नत दा दरमियानी दरवाजा है बाबे जी वकार ए हदीस पाक तो पता चलिया के दोनों दा पन्ना फड़ांगे ता ही काम बनेगा मां नु भी राजी करांगे ते बाप नु भी राजी करांगे एक दे कदमा छले जन्नत है ते दूजे नु अल्लाह दे नबी अली सलात व सलाम ने जन्नत दा दरमियानी दरवाजा करार दिता है। हजरत मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपनी दुनिया ते आमद तो पहले आका अली सलात व सलाम आप दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने दुनिया तो पर्दा फरमाया मेरे आका अली सलात व सलाम आप दी उम्र पाक 6 साल हुई ना ते नबी अली सलात व सलाम आप दी वालदा माजदा हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा आपने दुनिया तो पर्दा फरमाया। हजरात दुनिया ते बड़े बड़े रिश्ते ने दुनिया ते बड़े बड़े औलादा आईया लेकिन जैसी औलाद मदीने वाले दिए ऐसी औलाद अल्लाह ताला ने किसे भी नबी नू अता नहीं फरमाई। आओ हजरत तवज्जो करो माँ बाप का कितना मुकाम है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलात व सलाम आप नू जेड़ी औलाद अता फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ताला ने कितनी अजमतों वाली ते शाना वाली औलाद अता फरमाई उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। आओ नबी पाक अली सलात व सलाम दे गुलामो तवज्जो करिया जे मां दा बड़ा मुकाम है बाप दा बड़ा मुकाम है अगे भी अर्ज करता रही दा आओ दोबारा अर्ज करता चला नबी करीम अली सलात व सलाम अपने सहाबा दे दरमियान तशरीफ फरमाने अल्लाह दे नबी अली सलात व सलाम ने फरमाया फरमाया सहाबा अर्ज की जी सुनिया फरमाया जेड़ा बंदा अपने वाले दैन नू एक बारी प्यार भरी निगाह दे नाल वेखदा है मुहब्बत भरी निगाह दे नाल देखदा है अर्ज कीती सोनिया ओदे वास्ते की अजर सवाब है ओदियां की शाना ने ओदा की मुकाम है। हजरात तवज्जो फरमाया जे मेरे तेरे नबी अली सलात व सलाम आपने इरशाद फरमाया फरमाया सहाबा और जेड़ा बंदा है अपने वालदैन नू एक बारी प्यार भरी निगाह दे नाल वेखदा है मुहब्बत भरी निगाह दे नाल वेखदा है मेरा अल्लाह एक मकबूल हज उम्र दा सवाब अता करदा है। अल्लाह अकबर कबीरा हजरात अरे मैं कुर्बान जावा नबी करीम अली सलात व सलाम आप दे सहाबा इकराम तो आप दे गुलामा तुम्हें और साढ़े जा गुनागारा वास्ते आसानियां पैदा फरमा गए ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह दे अंदर अर्ज की है अर्ज की सोनिया क्या जेड़ा बंदा अपने वालदैन नू 100 वारी प्यार भरी निगाह दे नाल वेखदा है 100 वर्तमान मुहब्बत भरी निगाह दे नाल वेखदा है अर्ज करदे ने सोनिया ओदे वास्ते की अजर सवाबे। हजरात तेरा तवज्जो फरमाया जे मेरे तेरे नबी अली सलात व सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर व अतयब फरमाया सहाबा मेरा अल्लाह बड़ा बड़ा है मेरा अल्लाह बड़ा पाक है। मुहद्दिसीन फरमाते ने अगर कोई बंदा अपनी मां ते बाप दा चेहरा 1000 वारी वेखदा है कोई लख वारी वेखदा
ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਅੱਲਾ ਚਾਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਜਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹੱਜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਤੇ ਉਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਚਾਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਹੱਜ ਤੇ ਉਮਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਏ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਬ ਲੈ ਲਵੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਜ ਵੀ ਕਮਾ ਲਵੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰੇ ਵੀ ਕਮਾ ਲਵੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਬਾਬੇ ਸੀ ਵਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਆਓ ਅਹਬਾਬੇ ਸੀ ਵਕਾਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲ ਅਲਾਹ ਸੱਲਮ ਆਪ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਅਹਬਾਬੇ ਸੀ ਵਕਾਰ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨਾ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਸਾਜ਼ ਹੋਈ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਪ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਸਾਜ਼ ਹੈ ਅਹਬਾਬੇ ਸੀ ਵਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਗੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਓ ਅਹਬਾਬੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਸਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਆਪ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਹਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਹਰਾਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲਵਾਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਹਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਆਪ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਤੁਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਸਾਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਸਾਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਆਪ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਤੁਜ਼ਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵ ਸਲਾਮ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਰੇ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਚਾਲਾ ਰਹੇ ਆਪ ਦਾ ਕਲਮ ਉੱਠਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਲਏ ਪੜਦੇ ਸੇ ਬਾਬਲ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗੀਰਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ
हजरत ने तवज्जो फरमाया जे इधर पहला दिन आ गया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका दी बारगाह दे अंदर मौजूद ने नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम आप दी बारगाह दे अंदर हाजिर ने इधर दरवाजे ते दस्तक होई है हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने पूछया अरे कौन आया कौन आया जेड़ा अज दरवाजे ते आके दस्तक दे रहा है आपा पे दी वकार तवज्जो करिया जे ए कोई आम नहीं आया ए रूह कब्ज करन वाला फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहि सलाम आप आए ने हजरत इजराइल अलैहि सलाम आप अर्ज कर दे ने ए नबी करीम अलैहि सलात व सलाम आप दी प्यारी बेटी मैं केड़ा भी आया वा ए रब्बी आया वा ए रब्बी आया वा हजरत फातिमा ने फरमाया जा ए रब्बी चला जा आज मेरे बाबा दी तबीयत ठीक नहीं है आज मेरे बाबा दी तबीयत ठीक नहीं है अब्बा बेदी वकार हजरत इजराइल अलैहि सलाम आप चले गए ने इधर दूजा दिन आ गया हजरत इजराइल अलैहि सलाम आप दोबारा आए ने आके दरवाजे ते दस्तक दी है अंदरू हजरत फातिमा ने फरमाया भाई कौन जेड़ा दरवाजे ते आके दस्तक दे रहा है हजरत इजराइल अलैहि सलाम आप बर्द कर दे ने नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम आप दी लखते जिगर मैं इराबी आया मां हजरत फातिमा ने फरमाया वे इराबी चला जा मैं तेनु कल भी फरमाया सी मेरे बाबा दी तबीयत ठीक नहीं है मेरे बाबा दी हालत ठीक नहीं है हजरत तवज्जो फरमाया जे ए तीजा दिन आ गया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप मेरे आका दी बारगाह दे अंदर मौजूद रहे हजरत इजराइल अलैहि सलाम आप दोबारा आ गए आके दरवाजे ते दस्तक दिती है नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम आप दी अख मुबारक खुल गई है मेरे नबी फरमाया फरमाया फातिमा अरे कौन आया अर्ज की बाबा जान अज तीन दिन योगे ने एक रबी आंदा है आके पुछता है नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम आप दा पता लेने आया वा मेरे नबी फरमाया फरमाया फातिमा क्या तेनू नहीं पता अज तीन दिन योगे ने जेड़ा सवाली बन के जेड़ा एला भी बन के मेरी पारगा दे अंदर आ रहा है ए कोई आम नहीं ए ते ओवे ओ जड़िया धीआं कोलो ओना दे पुत्र लै जांदा है जेड़ा पापा कोलो ओना दे पुत्र लै जांदा है जेड़े पुत्रा कोलो ओना दे बाप लै जांदा है जेड़ा पुत्रा कोलो ओना दी बावा लै जांदा है अब्बा बेदी वकार मेरे नबी अलैहि सलातो व सलाम फरमाया फरमाया फातिमा ए तेरे पर्दे दा हया पिया करदा है तेरे पर्दे दा हया पिया करदा है ता अंदर नहीं आ रहा एनू अंदर आन दियो अब्बा बेदी वकार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दा कलेजा तड़प गया अज आप दे बाबा जा रहे ने अज कायनात दा ताजदार जा रहा है हजरत इजराइल सलाम आप मेरे आका दी बारगाह दे अंदर आ गए ने आप दी रूह मुबारक कबूल कर लिए मियां साहब रहमतुल्लाह चला ले आप दा कलम उठया मियां साहब फरमांदे ने मां मरे ते सिर नंगा होंदा ओ वीर मरण कंड खाली ओ पाप सिरा दे ए ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया छावा फरमाया बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया छावा बाबा बेजी वकार ए उस बेटी दी गल है के जिदे बाबा कायनात दे ताजदार ने कायनात दे रसूलां दे इमाम ने ए ओदे बाबा जिदे सदके अल्लाह ने कुल कायनात नु बनाया फरमाया सुनया लौला खलक तुका ऐ प्यारे अगर मैं तेनू पैदा ना करदा लमा खलक तो लफलाक ते मैं कायनात दे विचो किसे भी शय नु पैदा ना करदा फरमाया सुनया लौला का लमा अजहर तुर रबूबिया औ कमा कर अली सलाम फरमाया सुनया अगर मैं तेनू पैदा ना करदा ते मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करदा आओ हजरात एक और गल करिए उस बाप ते बेटी दी गल के जिदे नाना
रसूलां दे इमाम ने ओ शहजादा जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह दे अंदर परवरिश पाई कि जिन्हों गुड़ती भी दिती गई ना किसे चीनी दी ना किसे गुड़ दी ना किसे शहद दी जिन्हों गुड़ती भी मिली है तो लुआबे मुस्तफा दी मिली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों गुड़ती भी मिली है तो लुआबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मिली है। हजरात उस बाप ते बेटे दी गल अज मेरे इन्हें वीर को पुछो ना जिन्हों का बाप दुनिया तो चला गया है जिन्हों का जान तो ज्यादा अजीज चचा दुनिया तो चला गया है दिलां ते की गुजरती है। मियां साहब फरमाते ने दुखिए दी गल दुखिया ही जाने ते सुखिए नु की खबरां दुखिए दी गल दुखिया ही जाने ते सुखिए नु की खबरां। हजरात ओ वेला करबला दे मैदान ओ अजीम बाप ते अजीम बेटा हजरत इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हो आप किसे करबला दे शहीद नु दफना के आए ना हजरत इमाम हुसैन अपने खैमे दे अंदर मौजूद ने हजरत शहजादा अली अकबर अपने बाबा दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। हजरात तवज्जो करया जे कायनात दा अजीम बाप ते कायनात दा अजीम बेटा है कैसा प्यार है ऐसी मुहब्बत करो अपने बाप दे नाल के जैसी मुहब्बत हजरत अली अकबर ने अपने बाबा इमाम हुसैन नाल कीती है ते इमाम हुसैन ने अपने बाबा मौला अली मुर्तजा दे नाल कीती है। हजरत मुहतरम हजरत शहजादा अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो हजरत इमाम हुसैन दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए अर्ज करदे ने बाबा सारे करबला दे मैदान वाल जा रहे ने बाबा मैनु भी इजाजत दियो मैं भी करबला दे मैदान दे अंदर जावां नाना दे दीन दी खातिर मैं भी कुर्बान होवां। मेरे मामी अली मुकाम ने फरमाया बेटा तू मेरा जवान बेटा है तेरे तो पहले मैं जाना है। हजरत शहजादा अली अकबर अर्ज करते ने बाबा मैं अपने बुढ़े बाबे दा लाशा नहीं उठा सकता। मेरे मामे अली मुकाम फरमाया पुत्रा जे तू अपने बुढ़े बाबे दा लाशा नहीं उठा सकता तो मैं भी अपने जवान पुत्र दा लाशा नहीं उठा सकता। अब बाबे जीवकार तवज्जो फरमाया जे बस गुफ्तगू इख्तिताम वाली जा रही है तवज्जो मेरे वाल रखा जो जो अपना काम कर रहे उन्होंने करते रहते हो जे अबाबे दी वकार दा नाम तवज्जो करिया जे हजरत शहजादा अली अकबर दी अल्लाह सारे अनहो आप इजाजत दे मंगदे ने अर्ज करदे ने बाबा मैनू करबला दे मैदान दे अंदर जान दी इजाजत दित्ती जावे मेरे इमामे अली मुकाम इजाजत नहीं दे रहे। अर्ज करदे ने बाबा आने वाली दुनिया किधरे ए ना कह देवे इमामे अली मुकाम ने अपने साथियों नु शहीद करवा लिया अपने बाजियां नु शहीद करवा लिया अपने भतीजे नु शहीद करवा लिया जिस वाले अपने पुत्र दी वारी आई है इमामे अली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हो आप जरा घबरा गए ने आप जरा घबरा गए ने इमामे अली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हो आपने फरमाया शहजादे यार तू ते मेरे जिगर दा टुकड़ा है तू ते मेरे जिगर दा टुकड़ा है जा मैं तेनू इजाजत दिना वा लेकिन अपनी फूफी हजरत ज़ैनब दी बारगाह दे अंदर चला जा उन्हें अपने पुत्रां दी तरह तेनू पालिया उन्हें बड़े प्यार दे नाल बड़ी मुहब्बत दे नाल तेनू पालिया। हजरत तेरा तवज्जो करिया जे हजरत इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हो आप दा शहजादा हजरत ज़ैनब दी बारगाह दे अंदर आ गया हजरत ज़ैनब ने अपने पुत्रां दे लाशे रखे होए ने उन्हां नू प्यार पईआं करदियां ने फरमा दिया ने शहजादे अपनी मां नू छड़ के चले गए हो अपनी मां नू छड़ के चले गए हो मां नी गल्ला छड़ गए हो। हजरत तवज्जो करिया जे इधर शहजादा अली अकबर आ गए अर्ज करते ने फूफी जान एक सवाल लेके आया वा एक कारदू लेके आया वा हजरत ज़ैनब ने फरमाया ओ मेरे शहजादे अरे मैं तेरे तू सदके जावा अरे मैं तेरे तू वारी जावा ए मेरे पुत्रा अज मेरे कोलू खाना ना मंगी अज तेरी फूफी दे कोल खाना कोई नहीं अज पानी ना मंगी अज मेरे कोल पानी कोई नहीं है अगर जान मंगेगा ओ मेरे सोने भतीजे मैं तेरे तो अपनी जान भी वार देंगी। हजरत तवज्जो फरमाया जे हजरत शहजादा अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो अर्ज करते ने फूफी जान अरे मैं रोटी ले नहीं आया अरे मैं पानी ले नहीं आया बल्कि जान देन दी इजाजत लैन आया वा
अहबाबे दीवाकार कलेजे फट जाते ने। हजरत ज़ैनब ने जिस वेले सुनिया अपने पुत्रा का गम भुल गया, अर्ज कर दिया ने आपने फरमाया शहजादिया मैं बड़े प्यार दे नाल तेनू पालिया है, बड़ी मुहब्बत दे नाल पालिया है, जा मैं तेनू इजाजत नहीं दे सकती। हजरत शहजादा अली अकबर आप इसरार करते ने अल मुख्तसर आप नू इजाजत मिल जाती है। हजरत तवज्जो कर आजे हजरत शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इमामे हुसैन ने लै लिया अपने खैमे के अंदर लैके आए, आपने तैयार किया, आपने तलवार दी, आपने नेजा दिता है। हजरत तवज्जो कर आजे इमामे अली मुकाम ने अपने शहजादे नू तैयार किया, फरमाया शहजादिया जा अपनी माँ की बारगाह के अंदर चला जा। हजरत शहजादा अली अकबर अपनी माँ के कोल आए ने, हजरत उम्मे नाना की बारगाह के अंदर आए ने, अर्ज करते ने अम्मा अज पुत्र का आखिरी सलाम ले लै, अज मैं आपके कोलू आखिरी इजाजत लैन आया वा। हजरत उन्हें मावां का कितना हौसला है, अरे जिन्हां नू पता है मेरे पुत्र ने चला जाना है उन्हें मुड़ वापिस नहीं आना, जेड़ा जा रहा है उन्हें कभी वापिस नहीं आने, लेकिन अपने पुत्रां नू इजाजत नहीं दिंदी है। हजरत शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ को इजाजत लै लैनी है। हजरत सकीना की बारगाह के अंदर आ गए, हजरत सकीना नू फरमाते ने ओ मेरी बहना अज मैं जा रहा वा, अगर मैं जिंदा वापिस आ गया फिर तेरिया खिदमत करांगा, फिर तेरे लाड उठावांगा। हजरत तवज्जो करिया जे हजरत शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमे वाले नू सलाम किया, ओ मेरे इमाम का कितना हौसला है, मेरे इमाम का कितना सबर है, अपने हत्था दे नाल अपने पुत्र नू टोरे ने। हजरत शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप घोड़े ते सवार होए ने, जिस वाले यजीदियां दे सामने आए ने इब्ने साद ने पूछा अरे कौन आया ये जवान कौन है, बड़ा सोना नौजवान है। हजरत कले जे फट जाते ने, एक कहन लगा ए कोई आम नहीं है, ए दे अली दा पुत्रा हजरत अली अकबर है, ए भी मौला अली मुर्तदा शेर खुदा रसगिल्ला हो चाला यान हो आप दा पुत्र है। हजरत अल्लाह चाला ने नबी दे जड़े पुत्र ने ओ भी बड़े सोने बनाए ने, कायू दे आला हजरत रहमतुल्लाह चाला ले आप दा कलम उठिया, आला हजरत फरमान दे ने तेरी नस्ले पाक में है ए बच्चा बच्चा नूर का। मेरे नाम मिल के पढ़ दवो, अपने नबी की बारगाह के अंदर हाजरी लगवा लवो, नबी की आल की बारगाह के अंदर अपनी हाजरी लगवा लवो। तेरी नस्ल पाक में है ए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा ए सब गराना नूर का। हजरत एडा सोना नौजवान आ गया, हजरत शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल मुख्तसर आपने हमला शुरू किया है, जिधर भी जाते ने गाजर ते मूली वांग यजीदी कटते जा रहे ने, अरे किसे दा बाजू कोई नहीं, किसे दी गर्दन कोई नहीं, किसे दी टंग कोई नहीं। हजरत शहजादा अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी बहादुरी दे नाल इतनी जुर्रत दे नाल लड़ रहे ने। इब्ने साद कहन लगा ओ यजीद दे सिपाहियों एनू बच्चा ना समझिया जे, ए बच्चा नहीं एदी रगा दे अंदर भी मौला अली दा खून है, एदी रगा दे अंदर भी मौला अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा खून है। ताइयों ते शायर बोल के कहंदा है अली का घर भी ए क्या घर है, जिस घर का हर हर बच्चा, अरे जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। हजरत मेरा शहजादा अली अकबर जंग करदिया करदिया थक गए ने, आपने अपने घोड़े नू मोरिया अपने बाबा की बारगाह के अंदर आ गए,
अर्ज करते ने बाबा बड़ी प्यास लगी है, आज अगर पानी मिल जावे तो मैं वादा करना वा कोई भी ऐसी दी वापिस नहीं जावेगा। इमाम अली मुकाम ने फरमाया आ मेरे शहजादे आ मेरे कोल पानी ते कोई नहीं है, और जुबानी चूस ले जिन्हों नबी अली सलातो वसलाम आप चूसते रहे ने। हजरत शहजादा अली अकबर आपने अपने वालिद की जुबान चूसी है, आप नु हौजे कौसर दा मंगाया गया, ताजा दम हो के चले गए ने। लड़दिया लड़दिया आप गिरते ने, इधर आपने आवाज लगाई है अदरकनी या अबता, अदरकनी या अबता, अबा जान मैनू फड़िया जे। बाबे जी वकार उलमा लिखते ने, करबला दरा भी लिखता है मेरे इमामे अली मुकाम आप दी उम्र पाक जड़ी है 55 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है। आपका कोई भी सिर दवाल आप दी दाढ़ी दवाल अरे काला नहीं है। जिस वेले इमामे अली मुकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप अपने शहजादे दे कोल आए, अपने शहजादे नहीं उठाया अपने सीने दे नाल लाया, अपने सीने दे नाल लाया। हजरत अली अकबर ने फरमाया बाबा मैं अपनी भैन दे नाल वादा करके आया साहब, ए मेरी भैन मैं करबला दे मैदान विच आवांगा, ए सुगरा तेनू भी करबला लै जावांगा। मैं अपनी भैन नू फरमाया जे अपने वीर नू माफ कर देवे, वीर तेरा वादा पूरा नहीं कर सकया, मेरी भैन मेरी उड़ीकां करदी होवेगी ते नाले की कहंदी होवेगी। कहना अकबर तना यस घर आया तेना आई भैन सकी ना अकबर तना यस घर आया तेना आई भैन सकी ना बाज परावा मैनू सुनना लगता है पाक शहर मदीना। हजरत मेरे इमाम ने अपने पुत्र दे हलक विचू जिस वेले आप दे सीने चू नेजा कढ़िया ना रूह परवाज कर गई। इमाम अली मुकाम ने अपने पुत्र दा जिस वेले लाशा उठाया अहबाबे जी वकार तारीख दी अंदर आंदा है मेरे इमामे अली मुकाम 55 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है। आप दे ना दाढ़ी ते ना सर दा कोई बाल चिट्टा नहीं। जिस वेले पुत्र नू उठाया ना ते पुत्र दे गम दी वजह दे नाल सारे वाल चिट्टे हो गए। औलादां वाले हो औलाद दा गम बड़ा डाढ़ा होंदा है। अल्लाह ना करे ना किसी दा प्यो जावे ना किसी दी मां, ना किसी प्यो ना मां दा जवान पुत्र ते जवान दी जावे ए बड़े रोग ला चांदे जे। बाबे जी वकर मेरे इमामे अली मुकाम ने पुत्र दा लाशा उठाया खैमे दे अंदर लिया के रखिया, लिया के फरमाया ले बहन जैनब अल्लाह ने तेरे इस पुत्र दी भी कुर्बानी नू कबूल फरमा लिया है। ते हजरात मेरे इमामे अली मुकाम ने फिर मदीने वाल मुँह कीता ते आपने की फरमाया नाने दे रोजे वाल मुँह करके, आपने नाने दे रोजे वाल मुँह कर लिया। मेरे मामे आली मुकाम पर मानते ने बेशक पुत्र ए ठंडे अखिया दी ए करन घर विच ओ जा ला, बेशक पुत्र ए ठंडे अखिया दी ए करन घर विच ओ जा ला, पर ए ना नालो वद के मैनो ओ कानिया जुल्फा वाला। ए ना नालो वद के मैनो ओ कालिया जुल्फा वाला। अहबाबे जी वकार आओ ओ बाप जरा दुनिया तो चला गया है अपनी औलाद वास्ते अजीम बाप सी, अपनी बच्चियां वास्ते अजीम बाप सी। अल्लाह ताला जिन्हां दे वालिदैन दुनिया तो चले गए ने मेरा मालिक उन्हां दी कामिल बख्शिश फरमाए। हजरात जिन्हां दे वालिदैन चले गए ने अज उन्हां वीरां कोल पुछो ना जिन्हां दा बाप दुनिया तो चला गया है और जिन्हां दा चाचा दुनिया तो चला गया है। अब्बा बेजी वकार मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह
आप का कलम उठाया, मियां साहब ने भी कमाल किया। आप फरमांदे ने मां मरे चे सिर नंगा ए वीर मरण कंड खाली ए पाप मरे थे मोहम्मद बख्शा ए मुक जादा जे मेला बाप मरे थे मोहम्मद बख्शा मुक जादा है मेला। अल्लाह चाला मरहूम चाचा मोहम्मद फैज साहब की बख्शिश फरमाए, उन्हें लवाहिकीन उन्होंने बच्चिया घर वाले अल्लाह ताला सबरे जमील और अजरे जजील अता फरमाए। मेरे गांव के पहले कब्रस्तान के अंदर दूसरे के अंदर जितने लोग मदफून ने अल्लाह पाक सब दी कामिल बख्शिश फरमाए। अब बाबे जी वकर देखो ना अहले बैत का जिक्र इंज होना चाहिए जिन सुनिया ने बड़ी प्यार दे नाल ते बड़ी मुहब्बत दे नाल कीता है। इंज दा नबी दी आल दा जिक्र नहीं हुंदा कि बंदा तमाशा ला के रखे पूरे पिंड नूं जनाबे वाला तंग करके रखे, नहीं इंज नबी दी आल दा जिक्र हुंदा बड़े प्यार दे नाल ते बड़े मुहब्बत दे नाल बड़े शौक दे नाल अल्लाह ताला सब नूं नबी दा नबी दी आल दा ते नबी दे सहाबा दा इश्क अता फरमावे, नबी दे सहाबा दी मुहब्बत अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी आप दी हाजिरी कबूल फरमाए। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।